नमस्कार, तृप्ति रेस्टी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं कच्चे केले की कोफ्ते बनाऊंगी। कच्चे केले गुणकारी तो होते ही हैं, और अगर इसे कोफ्ते बनाकर खाइए तो और भी स्वादिष्ट लगते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए झटपट बनाते हैं कच्चे केले की कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 उबले हुए केले लिए हैं, जिसे हमने कुकर में 3 सीटी आने तक उबाल लिए मीडियम फ्लेम पे। एक चाकू के हेल्प से छिलके आसानी से उतार लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम सारे केले को अच्छे से मैश कर लेंगे। केले हमारे मैश हो चुके हैं, और अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल में 3 स्पून बेसन ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम सूखा मसाला ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और एक चुटकी हींग। हींग डालने से कोफ्ते में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे, और इस तरह से बेसन का सॉफ्ट डो तैयार कर लिए हैं। बेसन को पहले घोल लेने से कोफ्ते हमारे काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। और अब हम इसमें 4 मैश किए हुए केले ऐड करेंगे, और साथ में 2 हरी मिर्च बारीक कट किया हुआ, और 1 इंच अदरक को। और अब हम इसमें बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, और स्वाद के अनुसार नमक, और सारे मिक्सचर को हम अच्छे से बेसन मिक्स कर लेंगे। और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिए हैं, देखिए इस तरह से। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और गैस पे गर्म होने के लिए कढ़ाही रखेंगे। कढ़ाही को गर्म होते ही इसमें हम 1 कप तेल ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कोफ्ते तलने हैं इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा डालना है। और कोफ्ते का छोटे छोटे बॉल्स इस तरह से बना लिए हैं, और तेल हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। और अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम मीडियम है। कोफ्ते तलते टाइम हमेशा गैस का फ्लेम मीडियम रखना चाहिए। अगर हाई फ्लेम पे कोफ्ते तलेंगे तो ऊपर से कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, मगर अंदर से कच्चा रह जाएंगे। और इसे पलटते हुए कोफ्ते को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। देखिए इस तरह से हम कोफ्ते पलट लेंगे। केले के कोफ्ते खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, और इस तरह से हम कोफ्ते को बाहर टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। और अब हम बाकी के भी कोफ्ते तल लेते हैं। देखिए यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम ही है, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। और बचे हुए तेल में सूखे मसाले डालेंगे, 4 से 5 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 1 छोटा चम्मच जीरा, और 2 तेज पत्ता। अच्छे से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें चुटकी भर हींग ऐड करेंगे, और 1 बारीक कट किया हुआ प्याज। प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे 1 प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, और 1 इंच अदरक का पेस्ट बना लेते हैं, उसे ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक का इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, और इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है, देखिए इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें बारीक कट किया हुआ 2 बड़े टमाटर ऐड करेंगे। आप चाहे तो टमाटर के प्यूरी भी यूज कर सकते हैं, और 2 बारीक कट किए हुए हरी मिर्च।
हरी मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम है और ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देखते हैं टमाटर हमारा सॉफ्ट हुआ है या नहीं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला। और सारे सूखे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमें तब तक भुनना है जब तक मसाले से तेल अलग नहीं हो जाए। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। ग्रेवी में हरा धनिया डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। और अब हम यहाँ पे 2 बड़े कप पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ता डालेंगे तो कोफ्ते भी काफ़ी पानी सोख लेते हैं। और पानी में अच्छे से उबाल आने देते हैं और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है और अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। देखिए कोफ्ते को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। और इस तरह से गर्मा गर्म केले की कोफ्ते बनकर तैयार है। इसे अब सर्व करते हैं। आप पराठे के साथ ले सकते हैं, चावल के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।